हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माहेश्वरी रसोई। आज मैं आपके साथ तुअर की दाल यानी कि अरहर की दाल की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। अगर आप ढाबे की दाल खाने के शौकीन हैं और आप ढाबे में जाकर दाल का ऑर्डर देते हैं तो ये दाल बिल्कुल आप ही के लिए है। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और नीचे दिए गए लाल बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अरहर की दाल तड़का बनाने के लिए मैंने ली है ये अरहर की दाल। ये करीब 200 ग्राम दाल है और जिसे मैंने आधा घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था और उसके बाद मैंने इसे डबल पानी में उबाल लिया है, क्योंकि दाल में तो पानी हम बाद में भी डाल सकते हैं। और ये दाल का दाना पूरा दिखाई दे रहा है, दाना में इसी ढंग की उबालनी है। और तड़का लगाने के लिए मैंने लिया है ये 2 टमाटर हैं मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए, 1 प्याज बारीक कटा हुआ, 10-12 कलियाँ लहसुन की, और ये 2 चम्मच मैंने देसी घी लिया है। आप चाहें तो इस दाल को रिफाइंड या सरसों के तेल के साथ भी बना सकते हैं, या उसके साथ भी अच्छी लगती है। नमक टेस्ट के हिसाब से, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा छोटा चम्मच से कुछ कम मैंने राई ली है, और 2 मैंने सूखी लाल मिर्चें ली हैं, और आधा छोटा चम्मच से कुछ गरम मसाला, आधा चम्मच खटाई, 1 चम्मच मैंने लिया है जीरा, थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ, ये गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे, और 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। अगर आप दाल को तीखा कम बनाना चाहते हैं तो आप मसाले थोड़े कम कर सकते हैं, यानी आप थोड़ी मिर्च कम कर सकते हैं, थोड़ी हरी मिर्च कम कर सकते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। दाल हमारी पहले ही उबली हुई है, इसलिए हम पहले तड़के की तैयारी करेंगे। और दाल में तड़का लगाने के लिए हम गैस ऑन करेंगे और उस पर एक भारी पंदे की कढ़ाई रख देंगे और उसमें हम अपना ये देसी घी गेर देंगे। और जैसे ही घी गर्म होगा हम इसमें जीरा गिर देंगे और थोड़ा सा घी हम रोक कर चलेंगे, जिसे हम बाद में छौंक लगाने के लिए यूज़ करेंगे। और जैसे ही घी गर्म होता है जीरा डाल देंगे, राई डाल देंगे और ये लहसुन डाल देंगे, और लहसुन के तुरंत बाद ही हम ये हरी मिर्च और अदरक डाल देंगे, और ये प्याज डाल देंगे, और जैसे ही प्याज हल्का सा भुनता है मैं इसमें ये टमाटर डाल दूंगी। ये होममेड घी है और शायद पतले थोड़ा रह गया है, इसलिए इसमें ये झागा रहा है। इसी समय हम नमक डाल देंगे जिससे टमाटर जल्दी कुक हो जाए, और थोड़ी सी हल्दी, बस थोड़ी सी हल्दी बचा लेंगे। इसी समय हम इसमें ये मिर्ची डाल देंगे, मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे, और जैसे ही थोड़ा सा टमाटर भुनता है हम इसमें ये धनिया डाल देंगे और खटाई डाल देंगे। अगर टमाटर ज़्यादा खट्टे हैं तो खटाई कम डालें, और अगर आप नींबू डालना चाहते हैं तो खटाई ना डालें। गैस का फ्लेम मैंने एक बार भी लो नहीं है, मीडियम नहीं किया है, मैं इसे हाई फ्लेम पर ही बना रही हूँ। और देखिए मसाला भुन चुका है और इसने घी भी छोड़ दिया है। और जैसे ही मसाला अच्छी तरह भुनता है हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, और ये जो हमारी उबली हुई दाल थी इसमें हम ये भुना हुआ मसाला डाल देंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक के लिए हम ढककर उबलने देंगे, जिससे मसालों की खुशबू अच्छी तरह दाल के अंदर चली जाए। और आप देखिए कितना अच्छा कलर आया है। वैसे तो इस दाल का कलर बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम कलर को और ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं तो हम एक तड़का पैन लेंगे, गैस ऑन करेंगे और उसमें जो हमने देसी घी रोका था वो डाल देंगे। इससे दाल का रंग बहुत अच्छा आता है, और जैसे ही घी गर्म होता है गैस का फ्लेम ऑफ कर दें, वरना हमारे डालते ही हल्दी और ये मिर्चें जल जाएंगी। लाल मिर्चें डाल दें, और ये जो हमने मिर्चें रखी थी ये भी डाल दें। और दाल को उबलते हुए भी करीब 2 मिनट हो चुके हैं, और ये जो हमने तड़का तैयार किया है ये हम दाल में डाल देंगे। ढक्कन को एक बार ढक देंगे और ढककर पकते हुए इसे फिर करीब 1 मिनट हो गया है,
और देखिए अब कलर बहुत अच्छा हो गया है। अब ये जो गरम मसाला था हम ये भी डाल देंगे, हरा धनिया और देखिए हमारी एकदम ढाबा स्टैंड में अरहर की दाल तड़का बनकर तैयार हो गई है। और अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अरहर की दाल को सिर्फ मैंने एक सीटी आने तक कुक किया था, जिससे इसका एकदम दाना दिखाई दे रहा है और वैसे दाल हमारी अच्छी पकी हुई है। इस तरह की दाल खाने में ज़्यादा अच्छी लगती है। एकदम ढाबा स्टाइल में अरहर की दाल तड़का बनकर तैयार है। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करें। एकदम ढाबा स्टाइल में ये चटपटी दाल बनकर तैयार है। ये खाने में बहुत टेस्टी है। दाल बनाते हुए आप कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखें। दाल को आप ओवर कुक ना करें, जिससे दाल का दाना दिखाई देना चाहिए। और मैंने दाल को आधा घंटे के लिए भिगो दिया था, उसके बाद उसमें एक सीटी लगा दी थी और दाल को पकाते हुए मैंने उसमें टेस्ट के हिसाब से नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया था। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और नीचे दिए गए लाल बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।